नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, हमारे इस फौजी ग्राउंड में फिजिकल के साथ साथ अभी हम लोग पुलिस की जो अभी भर्ती आई है 6000 वैकेंसी, उसके लिए हम लोग फिजिकल के साथ साथ हम लोग पेपर का भी तैयारी करा रहे हैं, जो कि आज हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। यदि आप लोग भी यदि फिजिकल के साथ साथ पेपर का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस फौजी ग्राउंड में आ सकते हैं, जो कि निःशुल्क है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अभी ये देखिएगा, हमारे इस ग्राउंड में बहुत सारे हैं जो अभी पेपर देंगे। हाँ, हल्ला नहीं करना है ना। हम ज्यादा नहीं कह सकते, आपको बेस्ट पीसेस कर सकते हैं कि वास्तविक में हमने निकल देखा है, पूरा खर्च पार्ट ले तो मैं बचाए। तो हमें लगा कि यार अपने ग्राउंड में हर्ष पाटले आधे लोग, मेरे को लगभग किसी का नाम नहीं, सच बताऊँ मैं 22-23 नाम याद है, लेकिन ना इसमें देखे तो उन्होंने बताया हर्ष पाटले। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी सॉलिड चल रही है, और आपका मेरे को लगता है कि आप PSP और व्यापम वाले हो, तो अभी पुलिस का भी करोगे आप? नहीं तो अभी आपको फिजिकल का कैसा है? आप PSP तैयारी किया हो, और मतलब अभी कहीं ना कहीं मतलब आने वाले एग्जाम में अपने आप को साबित करने के लिए, मैंने देखा कोडिमा के अंदर फिजिकल भी उतना सॉलिड है, उतना ही रिटर्न भी सॉलिड। इनके लिए एक और तारीफ, अच्छा नेहा पाठक। अरे नहीं नहीं भैया, लड़के लड़की पाँव मत छुआ करो, अच्छा नहीं लगता। और हमारे ये हॉस्टल में रहकर जो पढ़ाई कर रहे हैं ये पद्मनी, इनका सबसे बड़ी समस्या रनिंग में बोला सांस फूल जाता है, अब नहीं। आप लोग पता है दिन उड़ाल में खेलते जा रहे हैं, एक दिन किए, दो दिन किए, चार दिन किए, बोला मेरा सांस फूल रहा है, मेरा पेट पकड़ रहा है। दादा फिजिकल एक छोटी मोटी कला नहीं, ठीक है, उसेन बोल्ट को एक रिकॉर्ड एक लाइन लिखवाने के लिए पता है 4 साल मेहनत किया था। हम यहाँ उसमें कोल्ट बनने थोड़ी ना आए हैं, हमको तो वर्दी चाहिए, वर्दी मिल गया काम खत्म। देखना अभी सबसे पहले मैं सर को, भूपेंद्र सर को, अजीत सर को और रवि सर को अपने तरफ से और पूरी टीम के तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लगातार साल दो साल से यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग और यहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम यहाँ पे इन्होंने बनाया है, सेल्फ सिस्टम, वॉलेंटियरली ये लोग सोशल सर्विस के ही एक उदाहरण दे रहे हैं। और मैं जब खुद सुना यहाँ पे, मेरे को पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं जब जाना और खुद आकर एक सप्ताह जब देखा, मेरे को इतना अच्छा लगा यहाँ का जो वातावरण है, डिसिप्लिन है, सभी बच्चे टाइम से 6 बजे से पहले सभी आ जाते हैं और प्रॉपर 1 घंटा जो फिजिकल कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ 1.5 से 2 घंटा का जो क्लास चल रहा है, वो आप लाख रुपए भी कोचिंग दे देंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। और जो ये इनका अपनापन, ये अगर कोई इंटरेस्ट से करते तो ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता, लेकिन इनका ये जो अपना पर्सनल एक दिल से इनका जो वर्क है, इसीलिए आप सभी भी जुड़ पा रहे हैं यहाँ पे, रोज़ आकर 80 से 100 लोग लगभग यहाँ पर डेली आ रहे हैं, शाम को भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। उसके बाद फिजिकल कराने के साथ जो एजुकेशन है, अभी आप लोग सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और इतने अच्छे लेवल, अगर आप 6 महीना भी पढ़ लिए तो आप PSC फाइट करने का भी काबिल रखेंगे। यहाँ अगर सिर्फ अगर आप क्लास लेके उसको रिवीजन बस कर लिए, आपका कॉलेज तक आते आते तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ का जो सिस्टम है उसको सीरियस आप लोग ले ही रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन और अगर इससे इनपुट निकालिए तो आप
बेहतरीन आप एसआई और ये जितने भी एग्ज़ाम हो तो निकलना ही निकलना है, साथ में आप सीजीपीएससी यूपीएससी तक भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका जो पढ़ाने का स्तर है, सर का जो बताने का है, चाहे फिजिकल हो, फिजिकल का तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ अगर आप कर लेते हैं उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि ये जो सिस्टम है वो आगे भी चलेगा, आप लोग अगर लगता है कि आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है पढ़ाई में या फिजिकल में, तो सर लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं आपका कहीं भी छोटा सा भी मदद कर सकता हूँ तो आप मेरे से भी कभी पूछ सकते हैं, और मैं आप सबको बेस्ट विशेष और सर लोग को बहुत बहुत थैंक यू सर अपने वाले। और हमारे हर पाटले भाई जी अभी हमारे साथ दो तीन दिन हुए जुड़े, ये भी अपना अनुभव शेयर कीजिए। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व सर, ट्रेनर सर और रजनी वाले सर, नाम तो मुझे नहीं पता और माइग्रेंट है, तो मैं तीन दिन हुए मेरे को ज्वाइनिंग किए हुए, लेकिन मैंने नोटिस किया है, मैंने आपका लॉन्ग जंप देखा है उसमें मोस्टली स्टूडेंट का 4 से 4.5 फीट के बीच में है, और जो रिजल्ट आया है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का 40 से 60 के बीच में है, मतलब ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ा सा मेहनत और करेंगे तो आराम से आपका पोस्ट लगना श्योर है, बस थोड़ी सी टफनेस और चाहिए आपको। बाकी सर मेरे को बोल रहे थे कि हमारा वो लेवल नहीं है पढ़ाने का, तो मैं सर को बोलना चाहूँगा आपका लेवल वही है सर, आपको केवल डायरेक्शन देना है, पढ़ाई तो करना वो स्टूडेंट के ऊपर है, वो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वो उतना ज़्यादा निखर के सामने आएंगे, तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए, बस यही है। क्लियर होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, सामने वाले को लगे इसने मेरे कुछ बोला, समझ गए, तो दादा हर चीज को इम्प्रूव करो, मतलब ये है आप ऐसे जगह पे आ चुके हो, मतलब मैं कोई विज्ञापन फेयर लवली का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, इसका सही इस्तेमाल करोगे तो जीवन में आपको कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता जरूर मिलेगा, ठीक है, इन्हीं आशाओं और इन्हीं उम्मीद के साथ आप लोग लगे रहो, वर्दी पहनते हो भले चलान वलान काटते रहना, लेकिन हम तो ये ग्राउंड चलाते रहेंगे, ठीक है।